द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट टू सीन 7 का लोकेशन है बेलमोंट, जहाँ पे पोर्शिया के घर के एक रूम में ये सीन होता है। फ्लरिश ऑफ कॉर्नेट्स एंटर पोर्शिया विद द प्रिंस ऑफ मोरोको एंड देयर ट्रेन्स। ट्रेन्स यहाँ पर मतलब रेस्पेक्टिव अटेंडेंट्स के साथ। पोर्शिया भी प्रिंसेस है, उसकी भी अटेंडेंट है, प्रिंस ऑफ मोरोको के भी अटेंडेंट्स हैं। तो उन सब लोगों के साथ पोर्शिया और प्रिंस ऑफ मोरोको एंटर करते हैं। पोर्शिया, गो ड्रॉ इन साइड द कर्टन्स एंड डिस्कवर द सेवरल कैस्केट्स टू दिस नोबल प्रिंस। नाउ मेक योर चॉइस। डिस्कवर का मतलब है डिस्प्ले। पोर्शिया बोल रही है अपने अटेंडेंट से कि नोबल प्रिंस को यानी कि मोरोको को सारे कैस्केट्स को डिस्प्ले करो, और फिर मोरोको से कह रही है नाउ मेक योर चॉइस। मोरोको, द फर्स्ट ऑफ गोल्ड हु दिस इंस्क्रिप्शन बेयर्स, हु चूजेस मी शैल गेन व्हाट मेनी मैन डिजायर। मोरोको बोलता है कि इसमें से पहला कैस्केट जो गोल्ड का है उसमें ये इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, यानी कि उसमें एक इंस्क्रिप्शन, एक मैसेज है जो कि एनग्रेव किया हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है हु चूजेस मी शैल गेन व्हाट मेनी मैन डिजायर, यानी जो इस कैस्केट को चूज़ करेगा उसको वो मिलेगा जो बहुत सारे मैन डिज़ायर करते हैं। द सेकेंड सिल्वर विच दिस प्रोमिस कैरीज, हु चूजेस मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स। सिल्वर वाले कैस्केट में लिखा हुआ है कि जो मेरे को चूज़ करेगा उसको उतना मिलेगा जितना कि वो डिज़र्व करता है, यानी जितना जिस चीज़ के वो योग्य है। द थर्ड डल लेड विथ वार्निंग ऑल एज ब्लंट, हु चूजेस मी मस्ट गिव एंड हजार्ड ऑल ही हैथ। हाउ शैल आई नो इफ आई डू चूज द राइट। तीसरा जो लेड का है उसमें लिखा हुआ है कि जो मेरे को चूज़ करेगा उसको देना पड़ेगा, और उसको उन सब चीज़ों को रिस्क करना पड़ेगा जो उसके पास है। हजार्ड, हजार्ड यानी रिस्क, ऑल ही हैथ जो भी उसके पास है। हाउ शैल आई नो यानी कि हम कैसे जाने कि हम राइट कैस्केट को चूज़ कर रहे हैं। तो पोर्शिया बोलती है द वन ऑफ देम कंटेन्स माई पिक्चर प्रिंस, इफ़ यू चूज दैट देन आई एम योर्स बिदल। यानी कि अगर तुम उस कैस्केट को चूज़ करोगे जो राइट है, राइट कैस्केट में मेरा एक फ़ोटो होगा, और अगर तुम उसको चूज़ कर लेते हो तो हम तुम्हारे हो जाएंगे। मोरोको, सम गॉड डायरेक्ट माई जजमेंट, लेट मी सी, आई विल सर्वे द इंस्क्रिप्शंस बैक अगेन। व्हाट सेज दिस लेडन कैस्केट, हु चूजेथ मी मस्ट गिव एंड हजार्ड ऑल ही हैथ। मोरोको बोल रहा है कि भगवान मेरे जजमेंट को डायरेक्ट करे, यानी भगवान मेरे को रास्ता दिखाए, और वो फिर से तीनों ही कैस्केट्स के इंस्क्रिप्शंस को एक बार फिर से सर्वे कर रहा है, एक बार फिर से एग्जामिन कर रहा है, और बोलता है कि इस लेडन कैस्केट में क्या लिखा हुआ है कि जो मेरे को चूज़ करेगा उसको देना पड़ेगा और उसको रिस्क करना पड़ेगा जो भी उसके पास है। मस्ट गिव फॉर वॉट, फॉर लेड, हजार्ड फॉर लेड, यानी कि लेड के लिए कोई क्यों रिस्क करे, लेड के लिए कोई क्यों अपना सब चीज़ दांव पे लगाए। दिस कैस्केट थ्रेटन्स, यानी कि ये कैस्केट बहुत ही थ्रेटनिंग है, बहुत ही डरा रहा है। मैन दैट हजार्ड ऑल डू इट इन होप ऑफ फेयर एडवांटेजेस। मैन जो अपना सब कुछ को रिस्क करते हैं वो फेयर एडवांटेज की वजह से रिस्क करते हैं, यानी कि उनको ये होप रहता है, ये आशा रहता है कि उनको रिच गेन्स मिलेगा, और इसीलिए वो सब कुछ अपना दांव पे लगा देते हैं, जैसे कि जुआ में होता है। अ गोल्डन माइंड स्टूप्स नॉट टू शोज ऑफ ड्रॉस। लेकिन एक गोल्डन माइंड जो होता है, यानी कि जो आदमी हमेशा गोल्ड के बारे में सोच रहा होता है, वो ड्रॉस के लेवल तक नहीं स्टूप करता है। ड्रॉस यानी यूजलेस थिंग्स, यानी बेकार का चीज़। एक ऐसा माइंड जो हमेशा गोल्ड के बारे में सोचता है वो यूज़लेस थिंग्स के लेवल तक नहीं झुकता है। स्टूप यानी नीचे झुकना। आई विल देन नॉर गिव नॉर हजार्ड ऑट फॉर लेड, यानी कि हम लेड के लिए कुछ भी रिस्क नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं देंगे। ऑट का मतलब है एनीथिंग, कुछ भी हम रिस्क नहीं करने वाले। व्हाट सेव्स द सिल्वर विथ हर वर्जिन हू, फिर बोल रहा है कि ये जो सिल्वर कैस्केट है उसमें क्या लिखा हुआ है। वर्जिन हू, हू का मतलब है कला,
और वर्जिन यानी जो भी प्योर है, चेस्ट है. हु चूजेज मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स. यानी ये इंस्क्रिप्शन को वो फिर से रिपीट कर रहा है जो कि सिल्वर कैस्केट पे लिखा हुआ है, कि जो भी मेरे को चूज करेगा उसको उतना मिलेगा जितना वो डिजर्व करता है. एज मच एज ही डिजर्व्स पॉज देयर मोरोको एंड वे दाई वैल्यू विद एन इवन हैंड. इफ दाउ बी रेटेड बाई दाई एस्टिमेशन दाउ डस डिजर्व इनफ एंड येट इनफ मे नॉट एक्सटेंड सो फार एज टू द लेडी. तो वो बोलता है कि एज मच एज ही डिजर्व्स, यानी कि जितना कोई इंसान डिजर्व करता है. फिर बोलता है मोरोको थोड़ा सा रुको और अपने वैल्यू को एक इवन हैंड से मेजर करो. इवन हैंड यानी इम्पार्शियल हैंड, यानी कि जिसमें कोई पार्शियलिटी ना हो. तो तुम अपने वैल्यू को अच्छे से बिना पार्शियलिटी के एक बार खुद से मेजर करके सोचो. इफ़ दाउ बी रेटेड बाय दाई एस्टिमेशन, यानी कि अगर तुम खुद के बारे में कि तुम क्या डिज़र्व करते हो इसका एस्टिमेट लगाओ, तो तुम कह सकते हो कि तुम इनफ डिज़र्व करते हो, यानी तुम प्लेंटी डिज़र्व करते हो. लेकिन ये जो इनफ है, ये जो प्लेंटी है, ये लेडी तक एक्सटेंड नहीं कर पाएगा. यानी एक ओपिनियन में जब वो सोच रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो लेडी को डिज़र्व नहीं करता है. एंड येट टू बी अफियर्ड ऑफ माई डिज़र्विंग वेयर बट अ वीक डिजेबलिंग ऑफ माई सेल्फ एज मच एज आई डिज़र्व. लेकिन फिर बोल रहा है कि लेकिन अपने खुद के एस्टिमेशन में डरा हुआ रहना और सोचना कि नहीं, हम ये चीज़ डिज़र्व नहीं करते हैं, या थोड़ा सा नेगेटिव होना, यानी कि अपने आप को कमतर रखना अच्छा नहीं है. वेयर बट अ वीक डिजेबलिंग ऑफ माई सेल्फ. और फिर बोल रहा है एज मच एज आई डिज़र्व. वाई? दैट्स द लेडी. आई डू इन बर्थ डिज़र्व हर एंड इन फॉर्च्यून्स इन ग्रेसेस एंड इन क्वालिटीज़ ऑफ ब्रीडिंग. लेकिन दूसरे ओपिनियन में वो दूसरे मोमेंट में सोच रहा है कि हम तो लेडी को डिज़र्व करते हैं. और क्यों डिज़र्व करते हैं? क्योंकि हम बर्थ के हिसाब से बहुत अच्छे कुल में पैदा हुए हैं. मेरा लक, मेरे फॉर्च्यून्स बहुत अच्छा है, यानी मेरे पास अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज हैं, हम रिच हैं. ग्रेसेस यानी कि मेरे वर्च्यूज़ जो हैं, जो मेरा क्वालिटीज़ है वो बहुत अच्छा है. और ब्रीडिंग यानी कि मेरा अपब्रिंगिंग बहुत अच्छा हुआ है, मेरा जो परवरिश है वो बहुत अच्छा है. तो इन सभी तरीक़ों से अगर देखा जाए तो हम लेडी को डिज़र्व करते हैं. बट मोर देन दीज इन लव आई डू डिज़र्व. यानी इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा हम लेडी को इसलिए डिज़र्व करते हैं क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं. वॉट इफ़ आई स्ट्रेट नो फर्दर बट चॉज हियर. वॉट इफ़ आई स्ट्रेट नो फर्दर. स्ट्रेट यानी वेंट, यानी कि अब क्या होगा अगर हम सिल्वर कैस्केट के आगे नहीं बढ़ें और सिल्वर कैस्केट को ही चूज़ कर लें तो. लेकिन फिर वो गोल्ड कैस्केट को भी आगे फिर से एक बार स्टडी करेगा. लेट्स सी वंस मोर दिस सेइंग ग्रेव्ड इन गोल्ड हु चूजेस मी शैल गेन व्हाट मेनी मेन डिज़ायर. तो अब वो गोल्ड वाले कैस्केट के इंस्क्रिप्शन को फिर से पढ़ के उसके बारे में सोच रहा है. वाई? दैट्स द लेडी. ऑल द वर्ल्ड डिज़ायर्स हर. फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ दे कम. गोल्ड कैस्केट पर लिखा हुआ है कि जो भी इस कैस्केट को चूज़ करेगा उसको वो मिलेगा जो कि बहुत सारे मेन डिज़ायर करते हैं. तो ये इंस्क्रिप्शन पढ़ के एक बार ऐसा ही लग रहा है कि इसी इंस्क्रिप्शन के थ्रू लेडी मिल सकती है, क्योंकि लेडी को तो चारों अर्थ के चारों कॉर्नर से लोग आ रहे हैं, मेन आ रहे हैं देखने के लिए, और वो सभी उसको डिज़ायर करते हैं. टू किस दिस श्राइन दिस मॉर्टल ब्रीदिंग सेंट द हिरकेनियन डेजर्ट्स एंड द वास्टी वाइल्ड्स of wide Arabia are as thoroughfares now for princes to come view fair Portia. यानी कि चारों कॉर्नर से मैन इस श्राइन को, श्राइन का मतलब है होली प्लेस, तो इस लेडी को किस करना चाहते हैं जो कि एक mortal ब्रीदिंग सेंट है. mortal यानी कि जो इंसान मर जाता है, जो अमर नहीं है वो mortal है, और वो एक सेंट की तरह है वो लेडी. द हिरकेनियन डेजर्ट्स यानी कि जो पर्शियन डेजर्ट्स हैं, और जो वास्टी वाइल्ड्स, वाइल्ड्स यानी बैरन प्लेन्स.
तो अरेबिया का बैरन प्लेन्स और पर्शियन के डेजर्ट्स, हर जगह अगर देखा जाए ये सब जगह जो हैं वो थोरोफेयर्स हैं। थोरोफेयर्स का मतलब होता है एक रूट, एक रोड जो कि दो जगह के बीच में, मतलब एक रोड जो दो जगह के बीच में एक तरह से रूट को फॉर्म करता है। तो हर जगह से लोग आ रहे हैं इस थोरोफेयर में, इस रूट से चल के, ताकि वो लेडी से मिल सकें। फॉर प्रिंसेस टू कम व्यू फेयर पोर्शिया, द वॉटरी किंगडम हुज एम्बिशियस हेड स्पिट्स इन द फेस ऑफ हेवन इज नो बार टू स्टॉप द फॉरेन स्पिरिट्स, बट दे कम एज ओवर अ ब्रूक टू सी फेयर पोर्शिया। द वॉटरी किंगडम मतलब द ओशियन हुज एम्बिशियस हेड, हेड मतलब वेव्स, तो ओशियन की जो एम्बिशियस वेव्स हैं वो हेवन के फेस तक स्पिट कर रहे हैं। स्पिट मतलब थ्रो वाटर, यानी ओशियन के वेव्स हेवन के फेस तक अपने वाटर को एक तरह से फेंक रहे हैं। इज़ नो बार, इज़ नो हर्डल टू स्टॉप द फॉरेन स्पिरिट्स बट दे कम, यानी कि ओशियन भी कोई हर्डल, कोई मुश्किल नहीं पैदा कर रहा है लेडी के चाहने वालों के लिए। वो लोग ओशियन को भी इस तरह से पार करके आ रहे हैं जैसे कि वो किसी नदी को पार करके आएँ। एज ओवर अ ब्रूक टू सी फेयर पोर्शिया, ब्रूक मतलब रिवर। वन ऑफ दीज थ्री कंटेन्स हर हेवनली पिक्चर, इज इट लाइक दैट लेड कंटेन्स हर, इट वेयर डैमनेशन टू थिंक सो बेस अ थॉट। बोल रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि लेड का जो कैस्केट है वो इस लेडी के हेवनली पिक्चर को कंटेन करे, लेकिन फिर सोच रहा है कि ये तो बहुत ही बेस थॉट है, यानी बहुत ही नीचे दर्जे का सोच है कि लेड का कैस्केट इस ब्यूटीफुल लेडी के पिक्चर को कंटेन कर सकता है। इट वेयर टू ग्रॉस टू रिब हर कैरे क्लोथ इन द ऑब्सक्योर ग्रेव, यानी कि लेड का बना हुआ, लेड तो ऐसा बेस मेटल है जो कि लेडी के कैरे क्लोथ, कैरे क्लोथ एक ऐसा क्लोथ होता है जो कि वैक्स किया हुआ रहता है और कॉर्प्स को रैप करने के काम में आता है, यानी जो मरा हुआ जो शव होता है उसको कवर करने के काम में आता है, और ग्रेव यानी जहाँ पे दफनाया जाता है डेड बॉडी को। तो लेड तो इतना बेस मेटल है कि वो उस लेडी के कैरे क्लोथ को भी कवर करने के काम में नहीं आएगा, यानी उस ऑब्सक्योर ग्रेव में उसको रखने के लिए भी जो एक तरह से मेटल का यूज़ किया जाता है उसके लिए भी लेड का काम नहीं आएगा। मतलब ये लेडी काफ़ी ऊंचे दर्जे की एक प्रिंसेस है, तो इतना बेस मेटल इसके किसी काम में नहीं आएगा। और शैल आई थिंक इन सिल्वर शी इज़ इम्यूड, इम्यूड मतलब लॉक्ड। फिर सोचता है क्या ये लेडी सिल्वर के कैस्केट में हो सकती है, लेकिन सोच रहा है बींग 10 times अंडर वैल्यूड टू ट्राइड गोल्ड, सोच रहा है कि गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर तो 10 गुना नीचे है, यानी 10 times नीचे है। ओ सिनफुल थॉट, ये भी बहुत ही ख़राब थॉट है कि हम ऐसा सोचें कि लेडी सिल्वर के कैस्केट में हो सकती है। नेवर सो रिच अ जेम वॉज सेट इन वर्स देन गोल्ड, यानी कि इतना ब्यूटीफुल, इतना रिच जेम, यानी लेडी के लिए यहाँ पे जेम का यूज़ हो रहा है, वो कभी भी गोल्ड से नीचे किसी मेटल में हो ही नहीं सकता। दे हैव इन इंग्लैंड अ कॉइन दैट बेयर्स द फिगर ऑफ एन एंजल स्टैम्प्ड इन गोल्ड, इंग्लैंड में एक कॉइन है जो एक एंजल का फिगर को बेयर करता है, यानी उस कॉइन के ऊपर एक एंजल का फिगर है और वो फिगर जो है वो गोल्ड में एनग्रेव किया हुआ है, गोल्ड में स्टैम्प किया हुआ है। बट दैट्स इन स्कल्प्ड अपॉन, इन स्कल्प्ड अपॉन यानी वो एक स्कल्पचर है, उसमें वो कार्व किया हुआ है वो एंजल का फिगर। बट हियर इन एंजल इन अ गोल्डन बेड लाइज ऑल विद इन, लाइज ऑल विद इन मतलब एनक्लोज्ड, पर यहाँ पे एक एंजल एक गोल्डन बेड में एनक्लोज्ड है, यानी ये पोर्शिया के लिए बात हो रहा है कि वो एक एंजल है जो कि उसको यकीन है कि गोल्डन कैस्केट में ही उसका फिगर होगा। Deliver me the key, here do I choose and thrive as I may, तो अब वो choose करने जा रहा है और बोल रहा है and thrive I as I may, यानी देखते हैं कि मेरा success क्या होता है, हम कितना thrive कर पाते हैं।
Portia. There, take it, prince, and if my form lie there, then I am yours. प्रिंस से कह रही है कि जाओ प्रिंस, इसको खोलो और अगर मेरा फ़ोटो उसमें हुआ तो हम तुम्हारे होंगे। और इसी समय मोरोको जो है वो गोल्डन कैस्केट को खोलता है। ही अनलॉक्स द गोल्डन कैस्केट। मोरोको, ओ हेल, व्हाट हैव वी हियर? अ कैरी ऑन डेथ विद इन हुज एम्प्टी आई देयर इज़ अ रिटन स्क्रॉल। तो मोरोको को वहाँ पे क्या मिल रहा है, वो बहुत ही आश्चर्यचकित है। ये एक वहाँ पे कैरी ऑन डेथ है। कैरी ऑन डेथ यानी एक डेड स्कल है। स्कल यानी वो जो स्केलेटन होता है मरने के बाद, स्केलेटन में जो हम लोग का जो माथा होता है उसको हम लोग स्कल बोलते हैं। एक डेड स्कल है और उसके एम्प्टी आई में, यानी कि उसका जो आई का सॉकेट है, आई अगर एक स्केलेटन में आई को देखा जाए तो वो एक अंदर सा हॉलो टाइप का जगह रहता है जहाँ पे, जिसको कि हम लोग सॉकेट बोलते हैं, आई का सॉकेट, और वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। देर इज़ अ रिटन स्क्रॉल, आई विल रीड द राइटिंग। रीड्स, वो पढ़ रहा है उसको। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑफन हैव यू हर्ड दैट टोल्ड। यानी कि हर कुछ जो चमकता है, जो शाइन करता है, वो गोल्ड नहीं होता है, और तुम इस बात को कई बार सुने होगे। मैनी अ मैन हिज लाइफ हैथ सोल्ड बट माई आउटसाइड टू बी होल्ड। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे मैन जो हैं, वो केवल मेरे बाहरी आकर्षण को देखकर, बाहरी आकर्षण से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए कि वो अपना लाइफ को ही बेच दिए गोल्ड को बिहोल्ड करने के लिए। गिल्डेड टॉम्स डू वर्म्स इनफोल्ड, हैड यू बीन एज वाइज एज बोल्ड। जो टॉम्स होते हैं और वो गिल्डेड किए हुए होते हैं, यानी कि वो एक तरह से कवर्ड होते हैं, शाइनी कवरिंग के होते हैं, उनमें भी वर्म्स होता है, यानी कि उनके अंदर भी कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। और अगर तुम उतने वाइज होते जितने कि तुम बोल्ड हो, तुम बोल्ड तो हो लेकिन तुम्हारे अंदर विजडम नहीं है, तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है, तुम अच्छा डिसीजन नहीं ले पाए। यंग इन लिम्ब्स इन जजमेंट ओल्ड, योर आंसर हैड नॉट बीन इनस्क्रोल्ड। अगर तुम अपने जजमेंट में ओल्ड होते, तुम लिम्ब्स में यानी हाथ पैर और तुम्हारा जो शरीर है, जो बॉडी है, वो तो जवान है, लेकिन अगर तुम्हारा जजमेंट ओल्ड होता, यानी अगर तुमने दुनिया देखी होती और तुम उसके आधार पे तुम्हारा जजमेंट काफ़ी ओल्ड आदमी जैसा होता, तो तुम ऐसा डिसीजन कभी नहीं लिए होते। फेयर यू वेल, योर सूट इज़ कोल्ड, कोल्ड इंडीड एंड लेबर लॉस्ट। अब तुम फेयरवेल ही कह सकते हो क्योंकि तुम्हारा जो एफर्ट था वो सब वेन में जा चुका है, सब पानी में जा चुका है। देन फेयरवेल हीट एंड वेलकम फ्रॉस्ट। फेयरवेल हीट, हीट यानी फर्वेंट लव। जब बहुत फर्वेंट लव यानी जब किसी से लव होता है और वो बहुत ही पैशन वाला होता है, तो उसको एक तरह से हीट यहाँ पे कह रहा है। फेयरवेल हीट एंड वेलकम फ्रॉस्ट, यानी अब क्या चीज़ का वेलकम होगा, अब फ्रस्ट्रेशन का वेलकम होगा। फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट जनरली कोल्ड के सेंस में यूज़ होता है, जब आइस, स्नो, फ्रॉस्ट इस तरह का वर्ड्स यूज़ होता है। तो अब कोल्ड फ्रस्ट्रेशन को ही वेलकम किया जा सकता है, और फर्वेंट लव, जो पैशन वाला जो हीट था, उसको अब फेयरवेल कहना पड़ेगा। पोर्शिया एडियू, एडियू यानी फेयरवेल। आई हैव टू ग्रीव द हार्ट टू टेक अ टीडियस लीव दस लूजर्स पार्ट। यानी कि मेरा हार्ट बहुत ही सैड हो चुका है, हम बहुत ही ग्रीव्ड हो चुके हैं, और अब हम एक फॉर्मल फेयरवेल ले रहे हैं, और इसी तरह से लूज़र्स को पार्ट करना चाहिए, यानी जो लूज़ कर लेते हैं, जो किसी भी चीज़ में फेल हो जाते हैं, उनको इसी तरह से विदा लेना चाहिए। एग्जिट विथ हिज ट्रेन, यानी वो अपने अटेंडेंट्स के साथ चला जाता है। पोर्शिया, अ जेंटल रिडेंस, यानी आसानी से उसको रिडेंस, रिडेंस यानी मुक्ति मिल गया एक तरह से, क्योंकि पोर्शिया नहीं चाहती थी कि प्रिंस ऑफ मोरोको उसको जीते। ड्रॉ द कर्टन्स, गो, लेट ऑल ऑफ हिज कम्प्लेक्शन चूज मी सो। बोलती है पर्दा को ढक दो और भगवान करे कि उसके कॉम्प्लेक्शन के सारे लोग ऐसा ही चॉइस मेक करें, यानी ऐसा ही डिसीजन लें।
क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्शन से ब्लैक है और पोर्शा उसके कॉम्प्लेक्शन को पसंद नहीं करती है, तो इसलिए वो कह रही है कि भगवान करे कि इसके कॉम्प्लेक्शन वाले ऐसा ही डिसीजन लें, और फिर एग्जिट कर जाती है और सीन ख़त्म हो जाता है।